बुल्ला नमस्कार असलाक सत श्रीकाल राम राम जी आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फिजी एंड फोकस और मैं हूं आप सब की दोस्त एंड होस्ट शिप्रा शर्मा हमारे प्रोग्राम को प्यार देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू और हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं ट्रेडिशनल आन टेरिटरीज ऑफ क्वान्टन सिल्वरटूथ एंड मॉस्क्यूम नेशन आप सभी की फ़ोन कॉल्स के लिए फीडबैक के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए फिजी एंड फोकस टीम को एम रियली थैंकफुल टू यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जून पहले ही वी ऑल नो कि जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है वी आर इन द मंथ ऑफ जून और जो ग्रेड ट्वेल्व के स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेजुएट होने का समय आ गया है तो उन बच्चों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन्स पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है तो हमारे बच्चे जो कि ट्वेल्व इयर्स में हैं और उनका फाइनली ग्रेजुएशन का टाइम आ गया है तो बच्चों को और उनके पूरे परिवार को वी आर रियली कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ ट्वेंटी Or there's one more thing that June is a defensive driving awareness month. और इस मंथ में पुलिस एंड आई -सी -बी -सी विल बी आउट इन फुल फोर्स टू तो स्टॉप पीपल ड्रिंकिंग एंड डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग क्योंकि सेफ़्टी से ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है तो पुलिस जो है वो पूरी फोर्स से ध्यान रखेगी ताकि लोग सेफ ड्राइव करेंगे एंड ऑलवेज़ हैव अ डेजिग्नेटेड ड्राइवर विद यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू पार्टी पार्टी में जाएँ बट कुछ अच्छी ऑप्शन के साथ जाएँ चाहे आप ऊबर लें चाहे टैक्सी लें ताकि आप अपना और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रख सकें

दो से ये जो है लीगलाइज हो जाएगा एंड दिस इज अ थ्री ईयर प्लान सो चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स को आई अंडरस्टैंडिस्ट होम एंड योर हॉर्ड अर्न मनी ऑन रैन Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vik Prasad now on 604 306 6647. Vik Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan, call Pandit Lakshminath Guruji, 1604 849 4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फिजी न्यूज लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी लीजिए सुनते हैं नमस्कार फिजी न्यूज के साथ मैं हूँ विक प्रसाद चालीस साल के एक किसान का शव आज शनिवार लंबा सके तांबिया रोड के वातुवा के एक गन्ने खेत में मिला पुलिस एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था जिससे शनिवार सुबह बजे के बाद इस बात का पता लगाया गया। क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तैनात किया गया था और विक्टिम के शव को लंबा सा अस्पताल ले जाया गया है पुलिस ने पुष्टि की है कि जांच जारी रहने के बाद जल्द ही पोस्टमार्टम किया जाएगा उत्तरी डिवीजन में रहने वाले लगभग 37,000 लोगों ने सरकारी सरकार के लिए सरकार के पास 100 डॉलर्स के अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस के लिए एप्लीकेशन किया है सहायता के लिए एप्लीकेशन शुक्रवार सुबह शाम पाँच बजे बंद हुए सहायता उन लोगों के लिए है जो अभी भी बेरोजगार है जहां सरकार ने 2020 और ट्वेंटी 20, या 2021 और 2022 संशोधित राष्ट्रीय बजट में योजना के लिए 13 मिलियन डॉलर एलोकेट किए हैं सेक्रेटरी फॉर का कहना है कि वे वर्तमान में का कर रहे हैं और पेमेंट्स अगले सप्ताह शुरू हो जाएंगे फिजी लेबा पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी का राजनीतिक करियर शायद अभी भी खत्म नहीं हुआ है लेवर ने शुक्रवार को लंबा समय पत्रकारों से कहा है कि वो 2020 का आम चुनाव फिर से लड़ेंगे चौधरी का कहना है कि उन्होंने पिछले आम चुनाव नहीं लड़ा था और राजनीतिक क्षेत्र में लौटने के लिए समर्थकों ने उन्हें प्रोत्साहित किया है चौधरी जो 80 वर्ष के हैं, उनको टैक्स इवेजन का दोषी ठहराया गया था जिससे वो 2018 का चुनाव लड़ने के लिए नाकामयाब रहे चौधरी को भरोसा है कि उनकी वापसी से पार्टी सीट जीतेंगी उन्हें लगता है कि सरकार बदलने का समय आ गया है एफएलपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों को की घोषणा करने की, उ, की उम्मीद कर रहे हैं और आने वाले 2022 का चुनाव लड़ेंगे

वर्षीय व्यक्ति घटना की रात मृतक के बेडरूम में सोया था परिवार के एक सदस्य ने बाद में टीनेजर को मोशनलेस पाया जबकि संदिग्ध का कहीं पता नहीं चला नायकर अगले शुक्रवार को सुबह उच्च न्याय उच्च न्यायालय में पेश होंगे आप देख रहे फिज इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार पुलिस और बीसी क्राइम स्टॉपर्स सीनियर को इतलाह कर रहे हैं कि सीनियर्स को लेकर फोन स्कैम में वृद्धि देखी जा रही है मेट्रो वैनकुवर क्राइम स्टॉपर्स एग्जीटिव डायरेक्टर लिंडा एनिस ने बताया है कि वैनकुवर में इस प्रकार की धोखाधड़ी के लगभग 20 मामले सामने आए हैं एनिस ने कहा है कि सीनियर्स को फोन आएगा कि उनके पोते या पोती एक गंभीर कार दुर्घटना में शामिल हो गए हैं और उन्हें कुछ जमानत राशि की जरूरत है व्यक्ति उनकी ओर से पेमेंट को हैंडल करने की पेशकश करेगा सीनियर्स को यह भी कहा जाता है कि वे किसी को ना बताएं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पोते को या पोती को और भी परेशानी होगी क्राइम स्टॉपर्स स्वीकार करते हैं कि इन अपराधी या अपराधों को कम रिपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि वरिष्ठ के लिए आगे आगे आना शर्मनाक भी हो सकता है क्राइम स्टॉपर्स ने कहा है कि ये कोई शर्म शर्माने वाली बात नहीं है और लोगों से आग्रह है कि वो खुलकर सामने आए और इसका रिपोर्ट दर्ज कराए कनाडा में अब मंकी पॉक्स के 77 कॉन्फर्म्ड केसेस हो गए हैं क्यूबेक में 71, वन में पाँच और अल्बेटा में एक केस पाए गए हैं शुक्रवार को एक हेल्थ ब्रीफिंग में पत्रकारों से बात करते हुए कनाडा के मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर टेरेसा टेम ने कहा है कि मंकी पॉक्स के जोखिम का किसी भी समूह या सेटिंग से एक्सक्लूसिव है या किसी भी समुदाय से नहीं जुड़ा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के अनुसार मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है और यह वायरस के उसी परिवार से आती है जो स्मॉल पॉक्स के शिकार हुए हैं आप देख रहे फिजी इन फोकस अब कुछ खेल कूद की जगत से जानकारी डिजिटल फिजीफिक्ट माफ कीजिए डिजिटल फिजीफिक्ट लवांगा पार्क में जारी था और सेमीफाइनल में लंबासा की जीत बाद फोर थ्री से हुआ सुबह ने लोटोका को टू वन से पराजित किया और फाइनल में सुबह का लंबासा से भिड़ंत हुआ जिसमें सुबह ने लंबासा को टू नील से पराजित करते हुए एक बार फिर इस साल फिजिफिक्ट को जीत लिया है फेयर ब्रदर टाइटल यानी रग्बी के अंतर्गत तक बाऊ पाक नसोरी में जो मैच हुआ नांदी और नैत के बीच में इस टाइटल को नांदी ने नैतरी को 14 से पराजित करते हुए इस टूर्नामेंट को जीत लिया है अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी आपका हमारे साथ न्यूज शेयर करने के लिए और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी लोकल न्यूज़ है आप हमारे साथ कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो आप बिग जी को कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है सिक्स ओ फोर थ्री ओ सिक्स डबल सिक्स फोर सेवन अब हम आपको मिलाते हैं थ्री सुपर मॉम्स वी ऑल नो कि मॉम्स जो हैं हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और तीन हफ्ते पहले ये जो सुपर मॉम्स हैं इन्होंने कॉन्टेस्ट में इनको वोट किया गया था और ये थ्री जो तीनों हैं थ्री ऑफ देम टुडे आर इन यूनिवर्सिटी स्टूडियो और हम इन सबको बधाई देते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ फिजी एंड फोकस टीम सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल थ्री ऑफ़ यू कि आप लोगों ने वन करा क्राउन ऑफ बींग सुपर मॉम्स और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था रेडियो फिजी मिर्ची की ओर से तो रेडियो फिजी मिर्ची ने बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट प्लान करा था और उस इवेंट की जो सुपर मॉम्स हैं वो आज हमारे स्टूडियो में आई हैं जिनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सतरीकाल आदाब और बोलाफी जी जी हाँ दोस्तों आज का जो हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत स्पेशल प्रोग्राम ये एक इवेंट हुआ था दो हफ्ते पहले खाना बैंक हॉल में जहाँ पर कि सुपरम का कॉन्टेस्ट था आप शायद आए उस इवेंट में और शायद नहीं भी आए लेकिन ये पहली बार ऐसा सुपरम का कॉन्टेस्ट हुआ और ये भी मदर्स डे पर तो इसीलिए जो वहाँ पर क्राउन हुई थी टॉप नॉश माम सुपर माम और फर्स्ट रनर्स अप एंड सेकंड रनर्स अप दे आर इन द स्टूडियो टुडे हमने उनको स्टूडियो में बुलाया और ये जो इवेंट किया भी गया था ये रेडियो फिजी मिर्ची ने किया इस द फर्स्ट एनुअल इवेंट एंड आई थिंक बहुत सक्सेसफुल था और शायद वो सोच भी रहे हैं कि ये इवेंचुअली एवरी ईयर ऐसा इवेंट होएगा जिसमें ये लोग शायद नहीं लेकिन दूसरे दूसरे लोग एंटर हो सकते हैं सुपरमाम बन सकते हैं तो हमारे स्टूडियोज में आई हुई हैं निशा सिंह और फर्स्ट रनर अप थी और सेकेंडली कमरुल निशा शी इज़ द विनर दैट्स वाई शी इज़ सिटिंग इन द इन द मेडल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्राउन एंड नरिनी रेड्डी शी इज़ वेरी पॉपुलर टी आई एस आई संगम से मैं उसको जानती हूँ काफ़ी कम्युनिटी में भी काम किया है एंड शी इज़ द सेकेंड रनर अप तो एक तीनों हमारे स्टूडियोज़ में आए हैं चले उनसे बातचीत करते हैं हम उनको ये बोलते हैं कि अपने आप के बारे में थोड़ा बता दो कि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि आप हैं कौन तो निशा जी आप शुरू करें जी आ, मैं रेडियो मिर्ची की तरफ से स्पॉन्स की गई थी जी और मेरा नाम निशा सिंह है आप जैसे जानती हो मैं लोटो का जी की हूँ मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ मैं कई साल से बे, भी हॉस्पिटल में एक्यूट बिल्डिंग में काम करती थी आ, मेरे दो बच्चे हैं तीन ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं जी और और क्या बतलाऊ में काफी दिनों से आप कनाडा में हैं मुझे तो लगभग फिफ्टी फोर ईयर्स हो गए यहाँ कनाडा में जी मैं कोकुटलम में रहती हूँ जी थैंक यू आप और जो हमारी क्राउन है सुपमाम ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपको किसने स्पॉन्सर किया था आप कुछ अपने बारे में बताइए जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी आपके बारे में कुछ जान जाएं हम um, पहले थैंक यू रेडियो फिजी मिर्ची को शुक्रिया करती है जी। और उसकी वजह से हमारे आज इतना नाम हुआ है और दूसरी बात थैंक यू आपके जो आपने हमको इनवाइट किया बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया तो हम कनाडा आई है हमारे नाम कमरुल मिशा है जी हम कनाडा 87 में आई हमारे हस्बैंड का डेथ हुआ है अगस्त में नवंबर में हम कनाडा आ गई हमारे फूफी लोग यहाँ थे वो लो लोग हमको बुला लिया हम यहाँ आई हमारे तीन बेटा एक बेटी है जब हमारे छोटा बेटा पाँच साल के रहा तो हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसको लेके हम यहाँ आई फिर हम यहाँ काम किया बहुत काम किया दो दो जॉब करती थी हम सिक्स थर्टी एक जॉब स्टार्ट करती थी फोर एंड होके हम डाउनटाउन जाके दूसरा जॉब वन ओ थी तो बेटी को फिजी ले जाके शादी किया। उसके बाद हमने, ए, 98 में हमने हमको कोई फरिश्ता मिल गया उसके साथ हमने निकाह कर ली अच्छा बहुत अच्छा इंसान है और जैसे फरिश्ता हम सोचती वैसे फरिश्ता की तरह है वो बहुत उसने हमको नया जिंदगी दिया है आज उसकी वजह से हमारा ये लाइफ है नहीं तो आप हमारा पहले के लाइफ देखते तो जमीन आसमान के डिफरेंट होता शुक्रिया ये तो ऊपर वाली के दया होती है कभी कभी कि हमें जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग हमारे आ जाते हैं इन योर लाइफ जेनी में ना सो बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया थैंक यू नारैनी जी आंटी जी आपको तो मैं बहुत दिनों से भी जानती हूँ आप बहुत कम्युनिटी में काम भी करते हैं हाँ। और कई आपने इवेंट भी किए उसमें मैं गई थी जी. तो शुक्रिया स्टूडियोज़ में आने के लिए अपने बारे में कुछ बताइए जी मैं नारायणी रेड्डी डेल्टा से ए, मेरा हस्बैंड मनी रेड्डी मैं आज इस जगह पर जो पहुँचा हूँ रेडियो मिर्ची की ओर से मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं इस लाइक एक सुपर मादर कहलाने के लायक हुआ थैंक यू आपको भी करती हूँ कि आपने मुझ लोग के यहाँ पर बैठने के भी बोला कि आकर दो शब्द कहने के बहुत बहुत धन्यवाद मैं मेरा शादी फिजी आईलैंड बा आदि मूलम पुजाली के बेटा मनी रेड्डी के साथ हुआ मेरा मम्मी पापा इंडिया से है केरला का अच्छा। मेरा फादर का नाम अय्यप्पन नायर था और uh, मेरा तीन भाई दो बहन पांच भाई दो बहन थे अभी यहाँ पर मेरा छोटा सा परिवार है उसमें मेरा तीन बच्चे हैं सनी रेड्डी संजय रेड्डी और बेटी एक है मानसी और दो बहू है किरण एंड मालनी तीन ग्रैंड डोटर्स है एशली वर्षा शनाया और तीन ग्रैंड सन है शिवनील कृष एंड कैलाश मेरा इस छोटा सा परिवार मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में मैं सभी तरफ जाती वॉलेंटिया करती हूँ काफ़ी जगह में अभी मैं सीनियर्स संगम सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर मैं सीनियर्स के साथ बहुत हैप्पी हूँ उन लोग के साथ मैं वॉल्टिया करता हूँ आह मुझे अच्छा लगा कि मैं आज यहाँ पर रेडियो मिर्ची की ओर से आकर बैठा मेरी रेडियो मिर्ची तो बहुत गरम है <laughs> गरम तो जरूर बहुत है यार <laughs> जी उसके द्वारा तो कोई रेडियो है ही नहीं बहुत ना, गरम, ना, गरम है जी ओ रेडियो मिर्ची इसीलिए गरम है क्यों 24 आवर्स चलता रहता yeah, yeah. है जी हाँ अच्छा थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन अच्छा जब इन्होंने ये इवेंट किया पहली बार है बिकॉज मैं भी कम्युनिटी में काम करती हूँ मुझे भी पता है तो रेडियो फिरजी मिर्ची ने कहा कि मदर्स डे आ रहा है कुछ ऐसा करें कि जिसमें सुपर माम को हम एक्नॉलेज करें मदर्स डे तो मदर्स डे है सभी के जो बच्चे हैं मदर्स हैं हम सभी माम हैं यहाँ पर ना तो लेकिन जो इन्होंने किया पहली बार किया बहुत सक्सेसफुल था बहुत और फिर था। आप लोगों को भी जिस तरह से चुना भी गया है ये नहीं की रेडियो के, के जो स्टाफ है वो आपको चुन लिया नहीं। नहीं। उनके जो रिश्तेदार है आपको चुन लिया नहीं। नहीं। ऐसा हुआ कि जो हॉल में लोग थे उन्होंने पब्लिक ने आप लोगों को चुना और इतना बड़ा सो आपका जो स्टोरी था आपने ट दिया गया कि अपने बारे में कुछ बताओ कि क्या सक्सेसफुल है जब हम यहाँ पर सोचते हैं माँ के बारे में कि कितना कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए और ये नया देश में आकर बैठना या बसना भी कोई आसान बात हो, नहीं हो, भी 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 है बहुत मुश्किल है एक एक दो दो तीन तीन ती, काम करके हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए बड़े हुए अब किड्स हैं इनऑल्व है तो अपने जो आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर बैठ आपको क्राउन पहना हुआ है आप जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके उनसे क्या आप बता सकेंगे कि जो सक्सेस आपको मिला है जितना इतना ये यहाँ पर पहुँचने का आपको मिला है आप लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए जी। और जो मैसेज आप देना चाहते हैं आज भी बहुत यंग मदर्स है पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बच्चे पालते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे देखा जाए कि वो बेचारे काम धंधा में लगे हुए हैं उनको इतना नहीं होता कि वो तीन बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करें एंड ऑल दैट तो क्या आप कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं आपकी जो सक्सेस की स्टोरी क्या है जी मैम मुझे तो ऐसा लगता है जो रेडियो मिर्ची ने जो किया है बहुत अच्छा किया कि मदर्स को बुलाया ट्रेन मदर्स था हम सभी ना ट्रेन में से पब्लिक ने चूज किया हम लोग के वोटिंग किया पब्लिक ने दिया वोट तो उसमें मैं लोग तीन लोग सुपर होकर निकल गया तो बहुत अच्छी बात हुआ ना और जो और मदर सभी था वो लोग अभी तो सुपर मदर है सभी माँ सभी माँ सुपर मदर होता है किसी का नहीं सकता बोलने का वो मादर सूपा नहीं है ये बट मेरे ख्याल से सभी मदर सुपर मदर है जो रेडियो मिर्ची ने किया इसने वाला चीज हुआ फीजी से लेके यहाँ तक भी मैंने रेडियो मिर्ची पे सुनी बात सभी कुछ फिजी में भी ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ सुपर मदर का कुछ नहीं हुआ लेकिन कैनेडा में फिजी रेडियो फिजी मिर्ची ने जो किया वो कोई रेडियो स्टेशन नहीं कर सकता है मेरे ख्याल से ये पहली बार है और इतनी अच्छी पार्टी भी रहा काफी लोग रहा बहुत अच्छा से पार्टी हुआ देखने में भी अच्छा लगता नवराज फैशन के कपड़े से ना और फिर सेकंड हम लोग रेडियो मिर्ची के तरफ से भी किया बहुत अच्छा लगा मैं लोग के नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची के अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सभी बोर्ड डायरेक्टर्स और जितने भी कर्मचारी है रेडियो मिर्ची के mm. मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद That's excellent. That's excellent. हाँ आपने जैसे कहा कि दस मामले थे जी हाँ, सभी so, सुपर सभी so, सभी सुपर मदर तो सुपर मदर तो लेकिन आप तीनों को बहुत आ, मिला है यू नो एंड देन वी हैव टू लिव विद दैट सो आप आप तो क्राउन हुए हैं मिस मिस 2002 सुपर मॉम आप अपने अपने कुछ जो आप सुन रहे हैं देख रहे हैं अभी टेलीविजन में उनसे आप क्या कहना चाहते हैं हम उनसे कहना है कि रेडियो मिर्ची ने जो किया है, हमको पाकिस्तान से <laughs> आया। जी। बोलते, जी, आप मूवी आप कनाडा में फिजी में हमने बोला नहीं हम तो कनाडा में अभी कहीं नहीं गई <laughs> बोलता आपने मूवी वहां बना आप एक्ट <laughs> किया हमने बोला नहीं ये रेडियो फिर फिजी मिर्ची ने ये प्रोग्राम किया है तो हम लोग उसमें पार्ट लिया है तो बस यही हम मैसेज देना हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करती वो खुद भी भूखे रहती लेकिन बच्चों को भूखे नहीं रखती है वही बच्चे लोग के भी अपनी माँ के साथ प्यार मोहब्बत से सभी बर्ताव करना चाहिए बस यही हम मैसेज देना चाहिए जी। अब जी। मैं रेडियो को और उनके स्टाफ को अपने दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया कि इसमें हमारे सभी फिजी निवासी के सभी जितने ऑडियंस से सभी को बहुत ही फायदा हुआ हम तो पहला बार इसमें भाग लिए थोड़ा सा हिचकिचाती थी बट फिर भी पार्ट ले लिए क्योंकि मैं मालूम पड़ता था कि मैं सबसे उा कॉन्टेस्टेंट हूँ सुपा मम के साथ वो जो हमारे सुपा मम थे सभी सुपा मम हैं और जितने भी ऑडियंस में आए थे उन उनमें भी सभी सुपा मम ही थे हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें मादा बनना पड़ता है हमें वाइफ बनना पड़ता है हमें घर संभालना पड़ता है हमें सारे आप गिनते जाइए कि हम कितने काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए सबूरी होना चाहिए ये सब ऊपर की ऊपर वाले की दया है और इसीलिए मैं रेडियो फिर मिर्ची को दिल से शुक्रिया अदा कर अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं हर बार की तरह चलिए सुनते हैं फ्रिजी फुटबॉल टीम इज़ मॉर्निंग अबाउट द डेथ ऑफ सत्यनंद जो कि पास्ट अवे एट द एज ऑफ 93 थ्री इन न्यूजीलैंड एंड ही वॉज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर एंड अ इंस्परेशनल लीडर ऑल्सो ही प्लेड फुटबॉल हॉकी क्रिकेट एंड बॉलिंग फॉर नेशनल टीम वेन ही वॉज डन प्लेइंग ही काउचड सुवा एंड लथुका टीम्स इन फिजे ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्ट 13, 1928. ट्वेंटी एट ही लेफ्ट बिहाइंड थ्री डॉटर्स वो अपने पीछे तीन बेटियां छोड़ गए हैं एंड देयर फैमिली ही वॉज अंकल ऑफ पॉल Vikaram of Richmond, BC. On behalf of all of us at Fijian Focus Team, we send our heartfelt condolences to his family here and abroad. दस वन मोर अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू बहुत एक्साइटिंग जो है कपिल शर् शर्मा हम सब के फेवरेट जो है वो कैनेडा में आ रहे हैं और झांझी प्रोडक्शन जे सानी एंड अरोड़ा इमिग्रेशन प्रजेंट्स कपिल शर्मा शो ऑन जून ट्वेंटी फिफ्थ एट पी एनी कॉलेजियम वेनकूवर को प्रेजेंट्स बाय वेर का इंटरनेशनल फोर्ड और टिकट अवेलेबल एट टिकट लीडर डॉट कॉम फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट सैम झांझी जिनका नंबर है सेवन एट जीरो टू सिक्स सेवन डबल जीरो फोर सिक्स There's one more announcement for all of you Canada USA X Khalsa so Canada USA X Khalsa students reunion is taking place on September 4 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey Suite 201 128th Street in Surrey टिकिट्स फॉर दिस इवेंट आर ओनली जस्ट फोटी डॉलर जितनी भी मनी रेज होएगी जितनी भी मनी इकट्ठी होगी दैट विल गो टू खॉलस कॉलेज इन बी ए फिजी आईलैंड अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कोई अनाउंसमेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ई मेल कर सकते हैं फिजी इन फोकस ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट जी मेल डॉट कॉम हमारे पास इतना ही समय था लेकिन आपका प्यार देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हाँ अब हमारा आपसे विदाई लेने का समय आ गया है और जाने से पहले हर बार की तरह यही कहूँगी अपना और अपने चाहने वालों का अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारे शो के साथ इसी तरह जुड़ जुड़े रहें और हमें प्यार देते रहें हम आशा करते हैं कि आप ने हमारे शो को इंजॉय ज़रूर किया होगा और हमेशा इंजॉय करते रहेंगे इस शो को आप फिर से देख सकते हैं संडे को फोर पी और टाइम एंड इन कैलगरी में फाइव पी चैनल टेन पर फिजियन फोकस एयर्स ऑन ट्यूसडे एट टेन पी एम इन बी सी और कैलगरी में 11 पी एम को इसको रिपीट होता है एंड फोर पी एम ऑन सन्डेज इन बी सी एंड कैलगरी एट फाइव पी एम इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए या किसी तरह की भी कोई जानकारी के लिए आप कमीला को कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है सिक्स फोर फाइव थ्री सेवन फाइव वन टू थ्री अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें स्टे सेफ स्टे हेल्दी क्योंकि सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हमेशा अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें मुस्कुराते रहें फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार मैं हूँ आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा और, और थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर पार्ट ऑफ द डे विद विदास